इस पूरी रोड पे इतनी भीड़ लगती थी, मतलब वहाँ पे गेट लगता था उस वाली रोड के एंड में गेट लगता था, यहाँ से पैदल आते थे और पूरे में ऐसे बम्बू लगे रहते थे, उधर से एंट्री होती थी, पूरे में ऐसे बम्बू लगे रहते थे यहाँ पे और उधर से पीछे से एंट्री होती थी यहाँ से। अभी आपसे क्लास लेके मिलता हूँ बाद में। ओके सो डन विद द क्लासेस। तो पहले के जमाने में होता था गुरुकुल, अभी उनको क्लास लेते लेते आइडिया आया। पहले के जमाने में होता था गुरुकुल, जहाँ पे शिष्य अपने टीचर के पास पढ़ते थे वहीं पे रहते थे गुरुकुल। तो अब अपन लेते हैं आज के टाइम पे घर में स्कूल की क्लास, तो बन जाएगा घर प्लस स्कूल, घर स्कूल ना, घर प्लस स्कूल घर कूल, घर से क्लास स्कूल की, तो बन गया घर कूल। आज हमने नया इन्वेंशन किया है, क्लैपिंग, तो घर कूल। और ऑनलाइन क्लासेस में आपने कभी सोचा नहीं होगा आज से 5 महीने या 6 महीने पहले कि हम ये चीज़ें करते हुए क्लास ले सकते हैं। अपन विराट कोहली की क्लास बैटिंग देखते हुए क्लास ले सकते हैं, और क्या चाहिए। अपन ब्रश करते हुए क्लास ले सकते हैं, और अपन नहीं, मैं नहाने नहीं जा रहा, मैं बता रहा हूँ, अपन नहाते हुए क्लास ले सकते हैं। और ये सबसे फनी है, अपन हंसते हुए क्लास ले सकते हैं यार। तुम पर मैंने इनमें से कोई सी भी चीज़ नहीं की, कहीं लगे ये कर रहे हैं तो ये भी ऐसे ही करता होगा। मैंने कोई चीज़ नहीं की, मैंने हालांकि पहली चीज़ ज़रूर की थी कल, क्लास लेते लेते आईपीएल देख रहे थे। भाई और मनोज, आपने पिछली फुटेज देखी, उसको हुए कम से कम 24 घंटे हुए हुए, और अभी मैंने ट्रिमिंग भी कर ली थोड़ी सी सिम्बा टाइप, और कपड़े भी चेंज है पूरे जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आज का प्लान कुछ नहीं है, पहले तो बादल हो रहे हैं, टाइम लैप्स देखो आप। हाँ तो अब प्लान ये है कि आज थोड़ी सी भाई जाओ यार, अब प्लान ये है कि थोड़ी सी साइकिलिंग करके आते हैं आसपास, कहीं पे चल के आते हैं। चलो थोड़ी ऑफ रोडिंग हो रही है यहाँ पे, और उधर वो खेत हैं सारे, ऑफ रोडिंग के मज़े ले रहे हैं थोड़े से, ये सीन है। तो वो बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, पहले हमको लगता था इस्कॉन टेंपल का पार्ट है, पर वो एक 7-स्टार होटल बन रहा है। साइकिलिंग इज फन बट धूप का प्रकोप काफ़ी तेज है, और मैं हैशटैग सनकिस डाल रहा हूँ, अभी खूब ट्रेंड होता है ये भी। और इतनी दूर चल के हम आए हैं इस्कॉन टेम्पल। तो अभी मंदिर पूरा बंद है यार, ये पूरा मंदिर है, और जब जन्माष्टमी होती है तब पूरा ये ऐसा लगता है पूरा भरा हुआ, पाँव रखने की जगह नहीं होती, वहाँ पे मक्खन के वो लगते हैं, मक्खन मिलता है इतना टेस्टी होता है पूछो मत। तो वो जो आपको सीढ़ियाँ दिख रही है ना वहाँ पे, वहाँ पे मंदिर की एंट्री होती है, उस जगह मंदिर है, और वहाँ से घूम के वापस नीचे आ जाते हैं। और इस पूरे में इतना बड़ा टेंट लगता है, फंक्शंस होते हैं जन्माष्टमी के दिन, और बहुत अच्छी जगह होती है जन्माष्टमी पे। तो वहाँ से ये पूरा मंदिर का सीन है,
वहाँ पे वो रेस्टोरेंट दिख रहा होगा गोविंदम, यहाँ पे जो भक्तजन आते हैं उनके रुकने की व्यवस्था भी है, और मंदिर पूरे टाइम खुला रहता है। जन्माष्टमी इतनी भीड़ लगती है, ऐसा कोई सा भी साल नहीं है जिसमें जन्माष्टमी में ये जगह खाली रहती हो। वहाँ से एंट्री है उस वाली सीढ़ियों से, और यहाँ से एग्जिट होती है वो जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं, पूरा ये सीन है। तो मंदिर को बैकग्राउंड में रखते हुए वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर, सारी रस्में पूरी कर दो, कुछ भी करो पर करो, और देखते रहो वीडियो। टिल देन स्टे सेफ स्टे होम, और दर्शन करा नहीं पाया इसके लिए माफ़ी, पर जल्दी खुलेंगे एक दिन।